अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज साइंटिफिक एरर्स। अच्छा जी, एरर्स बेसिकली फिजिक्स के अंदर आपने जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं और ड्राइव क्वांटिटीज ऑब्वियसली पढ़ी हैं, तो उनके हमने क्वांटिटी के साथ साथ यूनिट्स भी उन मेंशन किए हैं, सही। और मैंने आपको यूनिट सिस्टम के अंदर समझा दिया था कि हम कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, यूनिट्स आपको बताते हैं कि आपने अपनी क्वांटिटी को कौन से वे में, कौन से डायमेंशन में एक्सप्रेस करना है, लेकिन यूनिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है कि आप जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो बेस क्वांटिटी के अंदर हमने जैसे कि डेफिनेशन याद की थी कि सारी की सारी आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्टली मेजर की जाती हैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो अब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन बहुत सारे मिस्टेक्स, जिनको हम फिजिक्स के ज़माने में एरर्स भी कहते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, सही है। तो अब इनको जज कैसे किया जाए, तो जज करने के लिए पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि एरर्स होते क्या हैं, पहचाने कैसे पहचाने। सो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे एक बेसिक सी, ताकि डेफिनेशन के थ्रू भी हमें सब चीज़ें पता चलती रहें। तो साइंटिफिक एरर होता क्या है, या सिंपल एरर है क्या। द डिफरेंस इन एक्चुअल value and measured value is called error। तो error है क्या, आपके पास अगर actual value दी गई है, for example मुझे बताया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर जो हमारे बुक में प्रिंटेड है कि भाई आपकी वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की वो 5 है। जो सपोज़ कि मैं कोई चीज़ लेंथ वाइज मेजर कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई ये 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो मैंने ओके 5 सेंटीमीटर इज़ योर एक्चुअल वैल्यू। बट इशू ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जब मेजर करें, कैलकुलेट करें, तो आंसर 5 ही है। जस्ट सपोज़ आपका आंसर 4.8 आया, जस्ट सपोज आपका आंसर 3.9 आया, जस्ट सपोज आपका आंसर 5.2 आया, सही। तो दीज ऑल आर एरर्स। ओके, एरर्स का क्या मतलब है कि आप देख सकते हैं कि 5 और 4.8 में 0.2 का डिफरेंस है। इसका मतलब आपकी एक्चुअल वैल्यू से आपकी मेजर्ड वैल्यू मैच नहीं कर रही, इट मीन्स योर वैल्यू इज़ एरर वैल्यू, मतलब इसके अंदर कुछ परसेंट एरर मौजूद है। अब कितना परसेंट है वो हम मेजर भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट दिस टाइम हमें सिर्फ जज करना है कि एरर है या नहीं है। तो इन तीनों वैल्यूज़ में एरर मौजूद है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल वैल्यू, सही है। तो अब ये एरर किस तरह से आया, क्यों आया, सही है? मैं भी नहीं पता चल रहा कि भाई किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की वजह से आया, या हम अभी सिर्फ बेसिक एरर की टाइप्स को समझेंगे, सही है, और पता करेंगे कि भाई ये एरर किस तरह से रिमूव भी किया जा सकता है। फिलहाल तो आपके पास बेसिक 3 एरर्स हैं, ओके, और वो एरर्स कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर में लिख देते हैं नाम एरर्स के, कि कौन कौन से एरर्स आपके पास मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल एरर, सेकेंड वन इज रैंडम एरर, एंड थर्ड वन इज सिस्टमैटिक एरर। ओके, तो ये 3 तरह के आपके पास एरर्स हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं।